जो है ध्यान कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रह्म है, दिस इज अ कंसेप्ट सिमिलर इवन इन द वेदांतिक कल्चर एंड ऑल्सो इन द गुरु ग्रंथ साहिब। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है आज की डिस्कशन के लिए कि सनातन धर्म और सिखी की परिभाषा गुरु नानक देव जी ने एक सूत्र में की है। वो कहते हैं सिखी सिख्या गुर विचार। सिखी तो एक शिक्षा है जो गुरु के विचारों के अनुसार है। तो इसका मतलब है कि सिखी एक जीवन जीने की एक कला है जिसकी अगुवाई में गुरु की विचारधारा उसमें काम कर रही है। दूसरी बात, जो गुरु साहब से पहले, सिखी से पहले हमारे देश की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, मैं तो समझता हूँ कि हमें जो अपनी बात है वो हमारे देश की जो सप्त सिंधु की सभ्यता या जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता आज कहा जाने लगा है, क्योंकि 1921 में जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद एक प्राचीन सभ्यता रोशनी में आई, तो बाद में जब उसको देखा कि सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता ही नहीं, हमारे देश में एक विलुप्त हुई जो सरस्वती नदी है, हमारे कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि तो वो इमेजिनरी है, लेकिन सैटेलाइट इमेजिनरी से हमें वो सिद्ध हुआ है कि जो सरस्वती नदी के किनारे तकरीबन 2500 साल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, दुनिया की सबसे प्राचीन है, उसका जो आर्कियोलॉजिकल डेटिंग मेथड से और हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग मेथड, हमारे पास ऋषियों का एक गणना का एक उसकी विधान है वो है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम से, तो हमारी जो सभ्यता है 10,000 साल से पुरानी है दुनिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सभ्यता से चार धार्मिक परंपराएं विकसित हुई, जहां से हमें बात समझ आने शुरू होगी। एक तो सबसे प्राचीन धार्मिक परंपरा है सनातन धर्म, उसका कोई प्रवर्तक नहीं है, वो इस देश की मिट्टी से उगी हुई लोक धर्म की परंपरा है। और उसकी विशेषता ये है कि वो प्लूरलिस्टिक है, बहुलतावादी है, उसमें किसी एक ग्रंथ, एक व्यक्ति, एक विचार की प्रधानता नहीं है, वो तो इंक्लूसिविस्ट है। दो शब्द हैं, एक तो प्लूरलिस्टिक है, दूसरी इंक्लूसिविस्ट है। वो ऐसी सभ्यता है जो विरोधी को भी अपने में समाहित कर सकती है, तो ये बिल्कुल निराली सभ्यता है। और इसमें से जो सनातन धर्म है, पहले तो धर्म मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है। धर्म की जो परिभाषा ऋग्वेद, जो हमारे इस सभ्यता का सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथ है, उसमें दो अवधारणाएं हैं, एक तो है सत्यम, दूसरा है ऋतम। इसने हमारे देखने की दृष्टि का निर्माण किया है, हमारे देश की जो वर्ल्ड व्यू है, इस जहां दो विचारों से मिलती है, तो उसका मतलब है कि हम दुनिया को, जैसे आपने बात कही ब्रह्म की बात कही, ब्रह्म का संबंध जो है वो हमारी इस सभ्यता के प्राइम सिंबल के साथ है। हर सभ्यता का एक प्राइम सिंबल होता है जिसके अनुसार, जिसके सहायता से वो दुनिया को देखता है। हमारी तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा भी यही है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, कि दर्शन वो दृष्टि है जिससे हम दुनिया के सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। तो हमारा जो देखने का, समझने का, दुनिया को समझाने का ढंग है सनातन का, वो तो है कि हम कॉस्मिक ऑर्डर से बात शुरू करते हैं, परम सत्य से बात हम आरंभ करते हैं। अगर इसकी बात हमें समझ आए कि अब्राहमिक सिविलाइजेशन के तुलनात्मक दृष्टिकोण से, अब्राहमिक सिंबल वो है गॉड, अल्लाह, यावे, ये एक दूसरी सभ्यता है, पैरेलल है, हमें उसमें उसका हमें कोई विरोध नहीं करना है, हमें देखना कि हम कहाँ डिफर करते हैं। तो हमारा देखने का ढंग है कि हम रियलिटी से शुरू करते हैं, रियलिटी को रियलाइज करना। मतलब ब्रह्म क्या है, ब्रीहेति इति ब्रह्म, जो बढ़ के फैल गया वो ब्रह्म है, ये तो रियलिटी है। और इस रियलिटी को कैसे सिद्ध करना है, ये हमारे जीवन का मुक्ति मार्ग है। जैसा कि अब्राहमिक में ऐसा नहीं है, उसमें है एक ट्रांसेंडेंट गॉड है, एक ऐसी हस्ती जिसको वो कहते हैं कि 14 तबक के बाहर है, वो तो अनुमान का विषय है।
कल्पना का विषय कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं, क्योंकि जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसको वो प्रूव करने की बात करते हैं। क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक बाकायदा ब्रांच है कि द प्रूफ्स ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, के साबित तो करो कि गॉड है। हमें ब्रह्म को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हमारा ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, उनका सर्व अतीत है, ट्रांसेंडेंट है। तो ये प्रॉब्लम हमारी ये है, हमारी दार्शनिक जो दृष्टि है, गुरुवाणी उसमें पार्टिसिपेट करती है। जो गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी को जो परिभाषित किया, तो उन्होंने कहा गावो गीत ना बिरहड़ा, गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। कि जो मैं गा रहा हूं ये कोई गीत नहीं है, ये कोई बिरहड़ा भी नहीं है, बिरहड़ा है लोकगीत है, ये तो ब्रह्म विचार है। अब मतलब है कि जो गुरुवाणी है उसकी विशेषता क्या, कि वो पोएटिक माध्यम में ब्रह्म विचार है। ब्रह्म विचार मीन्स दार्शनिक चिंतन। तो इसी तरह भक्त कबीर जी ने भी कहा है, भक्त कबीर जी कहते हैं कि लोग जाने ये वो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। तो मतलब दो वाणीकार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब केवल सिखों की गुरुओं की वाणी नहीं का संग्रह नहीं है, इसमें 15 भक्त हैं, 11 भट्ट हैं। तो ये तो मध्य काल के ज्ञान ग्रंथ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का ग्रंथ है, इसमें हमें ये बिल्कुल हमारे गर्व की बात है। लेकिन ये साथ ही हमारे मध्यकालीन भारत का एक ज्ञान ग्रंथ है, जिसमें हमारी विश्व दृष्टि और जीवन कला, जीने की कला का एक प्रवचन है, जिसमें एक आख्यान है। तो मैं ये समझता हूं कि आज सनातन और सिखी का जो रिलेशनशिप है बहुत गहरा है। वो गहरा दो तरह का है, एक तो सामाजिक और सांस्कृतिक है, कि सिख कहाँ से आए हैं, गुरु कौन थे, सिख कहाँ से आए हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं कि हिंदू समाज ने अपने बड़े बेटे को गुरुओं के लड़ लगाया। गुरु क्यों लगाया, धर्म की रक्षा के लिए। मैं तो हरिद्वार में जाके देखा हूँ, 4 पीढ़ी पहले मेरे जो पुरखे थे वो हिंदू नाम से जाने जाते हैं, वो कहते हैं तो आपके तो खुशीराम धीमान थे। वो पंडित जी ने कहा कि सरदार जी आप तो ब्राह्मण हो और आपका गोद भारद्वाज है। मैंने कहा भी ठीक है, मैं ब्राह्मण भी हूँ सिख भी हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं सनातनी सिख हूँ, जो कि असलियत है, सनातनी भी हूँ और सिख भी हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि हमें जो सामाजिक जो हमारा रिश्ता है, उसको कहते हैं कि नाखून और मांस का रिश्ता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ेंगे तो कष्ट होगा। नाखून और मांस का रिश्ता क्या है, इसको अगर उखाड़ोगे तो बहुत दुख होगा। तो मैं समझता हूं कि आज हम भूल गए हैं कि हिंदू समाज ने सिख जो जगत है, जितने भी सिख हैं, अगर वो सारे जाके अपने 4 पीढ़ियों से पहले जाके देखेंगे, वो सनातन से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात जो है वो है, वो जैसे मैं शुरू में बात कर दी, मैं अब थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा समय ले गया, वो दार्शनिक है, वो हमारी सांझ है। दुनिया को देखने और उसको समझने और उसको विचारने का जो तरीका है वो वैदिक काल से शुरू हुआ, वो गुरु नानक वाणी तक आता है। कहोगे तो मैं उसको टेक्स्ट के साथ उसको इलस्ट्रेट कर सकता हूँ। जो फुल रेवरेंस, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जगबीर जी। मैंने तो जैसे पहले शुरू में बात की थी कि मैं के मेरा क्योंकि संबंध शास्त्र से है, शास्त्र से नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म और सिखी में जो विश्व दृष्टिकोण की जो सांझ है, उसकी मैं एक मिसाल अपनी बात कंक्लूड करने के मैं कह सकता हूँ। गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी रचना है, वो सृष्टि रचना के सिद्धांत को 4 लाइनों में समझा रहे हैं, और वो है कि साचे ते पवना भया, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तिर पवन साजिया, कट कट आप समोए। ये जो विचार है ये सनातन जो संस्कृति का मूल विचार है, जो उपनिषदों में एक कथा कहानियों के रूप में मिलता है। और गुरुजी ने एक बहुत खूबसूरत रचना लिखी है, उन्होंने मारुसोले, मारुसोले डायलॉग है ऋग्वेद की रचना मनासदीय सूक्त के साथ।
दो दो चार चार लाइने उसकी मैं सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सृष्टि रचना से पहले क्या था, और नासदी सूक्त में भी यही बात कही गई है कि वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम फिलोसॉफिकल क्रिएशन इज नासदी सूक्त ऋग्वेद का। उनमें दोनों में जो सांझ है वो बहुत कमाल की है। गुरु नानक देव कहते हैं कि अर्बद नर्बद धुंधुकारा, खरबों अरबों साल पहले एक धुंध थी, अर्बद नर्बद धुंधुकारा, धरणी ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लगाएंदा, पौन ना पानी खानी ना बाणी, ओपत खपत ना आवन जानी, खंड पताल सप्त नहीं सागर, नदी ना नीर बहाएंदा। और ऋषि क्या कहते हैं नासदी सूक्त में, ना सदा सी नो सदा सी तदानीम, नसीद रजो नो व्योमा परोजत, किम आवरीवा कुकस्य शर्मन नभा। इसका मैं हिंदी काव्य अनुवाद आपको रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मूल संस्कृत से इस रचना का हिंदी और पंजाबी दोनों में अनुवाद किया है, तो मैं हिंदी में आपसे वो शेयर करता हूँ जो नासदी सूक्त को जैसे मैंने काव्य अनुवाद के रूप में देखा है। बहुत खूबसूरत रचना है वो। वो है कि सत नहीं था तब और ना ही सत था, सत नहीं था तब ना ही सत था, अंबर नहीं था ना ही पार फैला हुआ महा आकाश, छिपा क्या था और कहां किसने थामा था उसे, तब तो अगम अगाध जल भी कहां था, मृत्यु नहीं थी वहां ना ही अमर जीवन, रात नहीं थी और ना दिन के प्रकाश का संकेत कोई, बिना हवा के सांस लेता हुआ स्वयंभू वह केवल आप था, एक था उसके सिवा कोई दूसरा नहीं था, अनित वातम स्वदया तद एकम। तो ये अंधेरा था वहां अंधेरे से ढका हुआ, था तो बस निराकार शून्य, तपस की महा ऊर्जा से उपजा हुआ पुंज, फिर पहले पहल कामना का हुआ उभार। डिजायर जो सृष्टि रचना कैसे होती है, हमारा ऋषि इसकी संकल्पना करता है कि फिर पहले पहल कामना का हुआ उभार, मन का आदि अनादि बीज, अंतर की सूझ वाले मुनि जनों ने समझ लिया था भली भांत, रिश्ता क्या है अस्तित्व का अनास्तित्व के साथ, फैला दिया उन्होंने अपने सूत्र को महाशून्य के आर पार, ऊपर वार और नीचे भी धारणीय शक्तियां तत्पर थी वहां, ऊपर था निर्बाध बल नीचे असीम ऊर्जा, एनर्जी की खेल है। लास्ट में कहते हैं जानता है कौन असल में, और कह सकता है कौन कहां से जन्मा और कैसे उत्पन्न हुआ ये संसार, देवताओं का भी बाद में हुआ प्रादुर्भाव, ना जाने रची गई कैसे ये रचना, कौन है सृष्टि का कर्ता, कर्ता या अकर्ता, अंतर्यामी कौन है ऊंचे अंबर वाली इस धरा का, वही जानता है जो है स्वामी इसका, और या फिर शायद वो भी नहीं जानता। तो मुझे लगा कि सनातन धर्म और सिखी विश्व दृष्टि की जो सांझ है वो गुरु नानक वाणी और ऋग्वेद की इन दोनों रचनाओं की टेक्स्ट के माध्यम से मैंने तो देखा है। तो मैं तो जब भी गुरुवाणी पढ़ता हूँ